बच्चों, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किए थे पिछले वीडियो में, और इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्ट करने से पहले आपको हम बताए थे कि आखिरकार चार्ज होता क्या है। चार्ज के बारे में डिटेल हम स्टडी किए थे। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पे टाइप करना कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, और वह वीडियो को देख के आए ताकि आपको इलेक्ट्रिसिटी समझ में अच्छे से आए। तो इलेक्ट्रिसिटी है क्या? सबसे बड़ी मुद्दे की बात है कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या। थोड़ा सा आइए हम कहानी सुनते हैं। जैसे मान लो बच्चों कि हमारे पास कोई कंडक्टर है। सपोज हम कंडक्टर लिए हैं, और कंडक्टर है और इसको हम सेल से मतलब क्या किए हैं, सेल से कनेक्ट कर दिए हैं। यहाँ पे कंडक्टर ले लिए, कोई यानी कंडक्टर से हमारा जुड़ा हुआ। मान लो ऐसा भी हो सकता है यहाँ फैन लगा हो, बल्ब लगा हो, कुछ भी हो सकता है। तो एक बात आप गौर करके बताओ कि यहाँ पे सेल है, तो सेल के पास कैसा एनर्जी होगा? केमिकल एनर्जी होगा। तो चार्ज आखिरकार करता क्या है? जानने की बात है कि क्या आपसे मैं कहूं कि बैटरी के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टोर रहता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। चार्ज का बस एक ही काम होता है कि एनर्जी को ट्रांसफर करना। क्या किया है? डोनर का काम, मतलब एक तरह से मान लो कि यह बैटरी है, बैटरी के पास आया चार्ज, और बैटरी में जो भी केमिकल एनर्जी है वह केमिकल एनर्जी को लेके कहाँ पे, जो भी कंडक्टर या इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है उसको जाके सप्लाई करने का काम करता है। सीधा सीधा बात। तो आपको क्या है, चार्ज जो है वो स्टोर नहीं रहता है। आपसे कोई पूछे कि क्या बैटरी के अंदर चार्ज स्टोर रहता है, कि नहीं स्टोर नहीं रहता है। चार्ज क्या करता है, एनर्जी को ट्रांसफर करता है। तो क्या हुआ कि जैसे यह पॉजिटिव टर्मिनल और यह निगेटिव टर्मिनल है, तो यहाँ से क्या है, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, मान लो कि यहाँ पे हमारा इंस्ट्रूमेंट मतलब इलेक्ट्रिकल क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है हमारा, इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, कोई भी बल्ब हो सकता है, कुछ भी। तो यहाँ बैटरी से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेगा और वह इंस्ट्रूमेंट को देगा, और इंस्ट्रूमेंट क्या करेगा, वर्क करेगा। तो आप फिर आखिरकार आपसे मैं पूछूं कि इलेक्ट्रिसिटी होगा क्या? इलेक्ट्रिसिटी तो हम बोल सकते हैं बच्चों, फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू चार्ज पार्टिकल्स। कैसे एनर्जी का ट्रांसफर होगा, हम ऐसा बोल सकते हैं, फ्लो ऑफ एनर्जी एनर्जी थ्रू चार्ज पार्टिकल चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्या है, एनर्जी का फ्लो होता है। जिस किसके थ्रू एनर्जी फ्लो करता है, तो चार्ज पार्टिकल्स के थ्रू। तो बस आपको जानना है कि इलेक्ट्रिसिटी में जो चार्ज जो है हमारा, वो क्या करता है, एनर्जी को ढोने का काम करता है। सीधा सीधा जहां भी मान लो कि पावर प्लांट लगा हुआ है, तो पावर प्लांट से क्या क्या इलेक्ट्रॉन जो वायर्स के थ्रू इलेक्ट्रॉन मूव करता है, वह इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एनर्जी को ढोने का काम किया। एनर्जी जहां भी सोर्स है वहां से एनर्जी लिया, और फिर आके जहां पे इंस्ट्रूमेंट जैसे फैन लगा हुआ है तो क्या किया, मान लो कि सोर्स है या कोई बैटरी है या कुछ भी आप सेल मान लो, तो वहां से एनर्जी लिया और जाके वो बल्ब को दिया, फैन को दिया, फैन अपना वर्क किया। इसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू चार्ज पार्टिकल्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। हम अगले वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे कि करंट क्या होता है ना, दैट्स इट।